सन बाड़े लक्ष्मण देवरवा कैसन प्रभु जी मोर पूछ तड़ी सिया हो मैया पूछ तड़ी सिया हो मैया गिरता नैना मसलो पूछ तड़ी सिया हो मैया। माता सीता जी कह रही है हनुमान जी से, कौन भइले हमारा से गलती 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 कौन भइले हमारा से गलती लिहले ना सुधिया मोर रोअतड़ी माई जानकी रोअतड़ी माई जानकी गिरता नैना मसलो पूछतड़ी सिया हो मैया भजो रे भजो राम राम भजो रे भजो कट जाई समैया निर्दयाई जमाना बा कोई न पूछवैया निर्दयाई जमाना बा कोई न पूछवैया निर्दयाई जमाना बा। अच्छा उस नारे छाती चीर के हनुमान ने छाती चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा? इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे अश्लील कलाकार गा के अश्लील गाने गा के फेमस हो रहे हैं, लेकिन उसी दौर में एक ऐसी लड़की हमारे पास बैठी हुई है जिनका बहुत ही फेमस सॉन्ग आया था, जिस सॉन्ग को आप सुने होंगे और बार बार सुनते हो गाना, मुझे लगता है कि पुराना नहीं होगा। जैसे बहुत सारे गाना है, चाहे हनुमान चालीसा है, जो पुराना नहीं होगा, ठीक वैसे ही इनका एक गाना था जो आपने सुना होगा, जिस गाना का नाम था कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा। और उसमें का एक और गाना था जो मुझे बहुत पसंद आता है कि राम रखवैया कुछ गाना था उसमें, निर्दयया ही जबाना बा, जो गाना था मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ वो भी मतलब ये भक्ति संग गाती है, बहुत अच्छा गाती है, मधुर आवाज़ है। इनसे हम परिचय करेंगे और गानों के तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और बात आपकी न्यूज, जितना भी दर्शक देख रहे हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम है पूनम शर्मा की ओर से। शायद आपका नाम पूनम शर्मा? हाँ पूनम। अच्छा पूनम जी, सब लोग अश्लील गा के फेमस होना चाहते हैं, पता ना कौन कौन काका का चाट के फेमस हो जा रहा है, लेकिन आपने ही इस ट्रैक को ही क्यों चुना, एक अलग ट्रैक को ही क्यों चुना? हमारा एक शुरू से पारिवारिक जो होता है, हमारे परिवार में हमारे दादाजी बाबू जी, हमारे दोनों भैया शादी से पहले, तो दादाजी हमारे गुरु है सत्यनारायण शर्मा, तो सब लोग सपोर्ट किए। और दादाजी का कहना ये था कि तुम सिर्फ भजन गाओ, तो हम ऐसा तो नहीं है कि भरत शर्मा आप ही के समाज से आते हैं तो आप भी उनसे प्रभावित हो गए हो? उनका ही भजन हम सुनते थे, दादाजी हमारे भजन लिखते भी थे, तो ज्यादा हम खास करके शुरू से उनका ही भजन गाते थे जी, जो भी निर्गुण हुआ पूर्वी हुआ, और निर्गुण पूर्वी से ही शुरुआत हमने किया दादाजी के आदेश से, तो और भजन गाते ही रह गए। बहुत दिनों के बाद में हम एल्बम गाए, लगभग मैं करीबन 15-16 साल से गा रही हूँ, तो लगभग 8 साल के बाद हम 9 साल के बाद एल्बम गाना शुरू किए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग जो नहीं फेमस होते हैं, जैसे आप बता रहे कि मैं 15 साल से गाना गा रही हूँ, एक दो साल लोग फेमस हो नहीं हो रहा तो पता ना कौन कौन कौची कौची का करके स्टार हो जा रहा है। जो हाल ही में आप देखे होंगे बहुत सारे गाने, कौन कौन है, चंदन चंचलवा है, कौन है बुलेटवा है, कौची कौची चार्ट के फेमस हो गए। छोड़िए अपने जगह पे सब, वो लोग कहते हैं कि हमारा बसता ही नहीं तो हम गाएंगे नहीं, ये थीम के बारे में आप? नहीं ऐसा हमारा कोई ये नहीं है। देखिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जरूरी नहीं है फेमस होने के लिए हम किसी को गाली देकर फेमस हो जाए या कुछ भी गा जाए। ये
कुछ करके फेमस हो जाए, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा राय नहीं है। हम हिट हो या नहीं हो, हम अच्छा संदेश देना पब्लिक को चाहेंगे, पब्लिक जो सुने, दस मैंने एक परिवार में बैठ के दस जो फैमिली है वो सुने। अच्छा, वो गाना आप गुनगुना दीजिए जिसके लिए आप काफी फेमस हो। जी जरूर, जनता ने इतना सपोर्ट किया, इतना आशीर्वाद दिया, अभी भी बजता है एकदम कहीं अगर शुभ कार्यक्रम। हमको लगता है लगभग हमको भारत के ही लोग रहे अमेरिका में या जहाँ भी रहते हैं, भारत के ही लोग रहे, इंडिया के रहे या नेपाल के, हमको अमेरिका से भी फोन आया था और उसके बाद बैंगलोर से, माने भारत से अलग कंट्री का बहुत फोन आया कि आपका यहाँ कार्यक्रम, आपका यहाँ गीत यहाँ बजता है। होली में हमको नागालैंड से फोन आया था कि होली में आपका लक्ष्मण देवरवा बज रहा है, तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी सारे दर्शकों को, बहुत बहुत प्रणाम है। आइए सुनाती हूँ उस भजन को। कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसन प्रभु जी मो, पुछतड़ी सिया हूँ मैया, पुछतड़ी सिया हूँ मैया, गिरता नैनावा से लो, पुछतड़ी सिया हूँ मैया। माता सीता जी कह रही है हनुमान जी से, कौन भइले हमारा से गलती, गलती गलती, कौन भइले हमारा से गलती, लिहले ना सुधिया मोर, रोअतड़ी माई जानकी, रोअतड़ी माई जानकी, गिरता नैना वास लोर, पुछतड़ी सिया हो मैया। धन्यवाद। मेरा बजेगा ये नहीं बजेगा तो हम उस पे ही फोकस नहीं करते गए कि नहीं हमारा गाना ये बजना चाहिए, बजना चाहिए, नहीं, सब भगवान की कृपा है। तो कोई गंदा गा के हिट हो जा रहा है, लोग सुन रहा है तब हिट है, अगर लोग नहीं सुन रहा है ना, हाँ, लोग नहीं सुनता तो हिट नहीं होता। तो हमारे मन में ये नहीं है कि हाँ हम गंदा ही गाएंगे तो लोग सुनेगा, नहीं, हमारा ये, हमारे ओर से ये कहना है कि हम जब तक रहे अच्छा ही सॉन्ग गाए, भले लोग सुने या नहीं सुने। एक गाना वो गाइए जो मैंने जिक्र किया था दूसरा एल्बम वाला, राम राम भजो रे भजो, राम राम भजो रे भजो, कट जाय समैया, निर्दयाई जमाना बा, कोई न पूछ वैया, निर्दयाई जमाना बा, कोई न पूछ वैया, निर्दयाई जमाना बा। अच्छा, उस दौर में कभी लगा कि हम अपना ट्रैक चेंज करें, हम ये जो गा रहे हैं अच्छे गाने गा रहे हैं इसको छोड़ के दूसरी लाइन में जैसे और लुक चलेगा? नहीं, हमको नहीं लगा और नहीं कभी लगेगा, इसलिए कि हमको भजन से ही बहुत आशीर्वाद प्यार मिला है, भजन से ही बहुत आशीर्वाद प्यार मिला है। और भी भजन हम गाए हैं, और भी एल्बम आ रही है, तो आशा नहीं, अच्छा, पूरा विश्वास है, नया भजन आ रहा है, हनुमान जी का भजन है और माता जी का भजन है, जिसमें एक सुनाऊंगी कि जहान जानला हो, जहान जानला, जहान जानला हो, जहान जानला, हम रमैया जी के महिमा, हम रमैया जी के महिमा, जहान जानला, हम रमैया जी के महिमा। अच्छा, एक बात बताइए, आप भक्ति के अलावा और भी गाने गाते हैं जैसे सैड सॉन्ग वगैरह? नहीं, और जी मेरा मन भी नहीं है कि हम गाएं, हमको पसंद नहीं है। बहुत बार फोन आया एल्बम के लिए और फिल्म के लिए भी आया। अच्छा, आप गाने से पहले, शादी के पहले फेमस हो गए थे कि शादी के बाद फेमस? शादी के पहले ही फेमस हो गए थे। लहवा तो दहेज नहीं लिया होगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं, वो भी सिंगर है
और हस्बैंड का नाम छोटू राज भोजपुरिया। तो मैंने और लोग दहेज का तो डिमांड नहीं हुआ होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो ऑलरेडी कमा रही है। हम लोग का ऐसे हम लव मैरिज शादी लव मैरिज किए और सबका सपोर्ट रहा, हमारे घर परिवार सभी ओर से सपोर्ट रहा। डिमांड नहीं आया होगा, ससुर जी डिमांड नहीं करते? नहीं नहीं कुछ। सास खाना बनवाओ लेकिन हम घर का एक भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं करते हैं, सब काम करते हैं। खाना बना लेते सब कुछ। लोगों को दिमाग में होगा ये स्टार है तो नहीं बनाते? नहीं हाँ, लोग कहते हैं, एक कोई हमसे पूछ रहे थे एक आदमी कि आप झाड़ू लगाती हैं? तो बोले झाड़ू झाड़ी की नहीं, वो तो लड़के का काम है, तो क्यों नहीं करेंगे? कैसे झाड़ू लगाया जाता मुझे पता ही नहीं। तो वो आजकल के बहुत लड़कियां हैं जो थोड़ा सा शो करती है, लेकिन उनमें से हम नहीं है, हमारा एक अलग अपना ये है। गांव मिट्टी से जुड़े हैं जी। हाँ बिल्कुल। चलिए ये पूनम शर्मा जी थी, ये बहुत अच्छा गाना गाई। एक ऐसा गाना सुना दीजिए जो आपका फेवरेट है। फेवरेट तो कोई नहीं है, सभी फेवरेट है, लेकिन ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, जैसे लक्ष्मण देवर तो हो गया। गरनारे गरनारे छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा?